दरासा मेरे जितने भी भैया दद्दा लोग पधारे हुए हैं सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है, नमन है, बुजुर्गवारों के चरणों में प्रणाम है, देवी स्वरूपा माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम है। सभी को स्नेह देते हुए व इस परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, आज उस पुत्र के आगमन में कई कार्यक्रम हुए हैं, कुआं पूजन हुआ है, मुंडन संस्कार हुआ है, कई कार्यक्रम हुए हैं, होना है। अच्छा अच्छा, और इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। इस परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। आज के हमारे सहयोगी मंडल के रूप में आप लोग देख रहे हैं हमारे बड़े भैया भैया श्री किशन भैया, किशन राजपूत जी, आपका और आपके जितने भी सक्षम साथी कलाकार हैं सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है, नमन है। अभिवादन की श्रृंखला में बहुत ही अच्छी आप लोग साउंड सर्विस सुन रहे हैं, जो हम दोनों कलाकारों की आवाज को अपने द्वारा सजाएंगे। आज की रात्रि आप लोग लाइव कार्यक्रम सुन सकते हैं यूट्यूब पर। हमारे बीच में फिरोजाबाद से चलकर हमारे भैया श्री संजय सिंह राठौर भैया भी पधारे हैं, केएस एचडी म्यूजिक स्टूडियो, भैया का भी स्वागत है मंच से। आइए बिल्कुल सीधे चलते हैं, नवरात्रि का पावन दिवस है आज, चतुर्थ दिवस है, माता कुष्मांडा का दिन है। मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री अनिल भैया जी, आपका भी हृदय से अभिनंदन है, नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो इतने सुंदर से कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है, हम दोनों कलाकारों को यहाँ पर बुलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए, पूरी रात्रि में हमसे हमारे सहयोगियों से कोई त्रुटि होती है, छोटा समझकर नादान समझकर क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, ये आप सभी लोगों से निवेदन है और यही निवेदन भैया से है। अगर गलती से भी कोई गलती हो उसे छोटा समझकर क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। आइए, प्रस्तुत कार्यक्रम कानपुर महानगर की सबसे 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 छोटी पार्टी रिंकी तिवारी एंड पार्टी नौबस्ता कानपुर की ओर से, और अनिल भैया हमारी माताएं बहनें आ रही हैं, अगर हो सके तो उनके बैठने का इंतजाम आप करें, आगे हो आगे, पीछे हो पीछे, पुरुष वर्ग है जो उनको एक तरफ कर दें, हमारी जो माताएं बहनें आ रही हैं उनके लिए एक जगह व्यवस्था कर दें, निवेदन है। एक छोटी सी वंदना, क्योंकि बाबा गणेश का आगमन हो गया है, मैया सरस्वती का आगमन हो गया है, जब सभी का आगमन हो गया है तो एक सरस्वती पुत्री होने के नाते मेरा भी दायित्व है। कार्यक्रम की जो विधा है, कोई भी कलाकार जब अपनी प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले मैया सरस्वती को बुलाता है, तो आइए चंद पंक्तियों में मैया सरस्वती को बुलाते हैं, उसके बाद प्रथम गीत माता रानी के चरणों में आप लोग सुनेंगे, जैसा कि नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं। आइए मिलकर महारानी को बुलाएंगे और छोटी सी वंदना करेंगे उस मैया की। जय हो मैया। महारानी से कहना है कि माँ माँ कि भक्तों की सदा बिगड़ी माँ बनाई है आपने, भटके हुए को रामा दिखाई है आपने, दर्शन जरूर दोगी क्योंकि तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा दोगी, क्योंकि माँ सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं इस
उस जमाने में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं और काम के लोग भी चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत का वक्त आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। और अगर सहारा होता है तो उस माँ के नाम का सहारा होता है। तो भक्ति जब सभी लोग दरबार में जा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों मैं भी पीछे रह जाऊं, मैं भी पहुंच गई दरबार में और उस माँ से कहने लगी, माँ मैंने सुना है कि आप ममता मई हैं, आप करुणा मई हैं, और क्योंकि आप की वंदना मैं पहले कर रही हूँ इसलिए कहना है माँ। माँ सरल संगीत हो जाए जैसे कलाकार हैं मंच पर सहयोगी के रूप में आप लोग सुनेंगे, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना है क्या सरल संगीत हो जाए कपा की कोर कर दो और मां भक्ति की लाज ना जाए इस मंच के द्वारा और इस प्रबुद्ध जनमानस में भक्ति की लाज ना जाए दया मेरी ओर कर दो तो माँ शक्ति झनकार कर जाना है मैया शक्ति झनकार कर जाना स्वरों से कंठ भर जाना बुलाती हूँ तुम्हें मैया दौड़ कर माँ चली आना तो ओ माँ प्यारी माँ ओ माँ मेरी माँ क्योंकि भैया मैंने सुना है मधुरता कंठ में ना होती तो ये शब्द विस्पान बन गया होता, वेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, प्रेम को यदि वासना न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, याचना भक्त में ना होती तो ये भक्त भगवान बन गया होता। तो भक्त कहने लगता है माँ मधुर वाणी रहे मेरी आशीर्वाद इन वंदना की पंक्तियों पर खुश होकर आदरणीय सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री पवन द्विवेदी भैया जी के घर कमलों द्वार आए हैं, भैया से मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भक्त कहता है माँ मधुर वाणी रहे मेरी यही मैं आस करती और माँ रखोगी लाज आज मेरी यही विश्वास करती तो कहना है सभा में आज आ जाना है मैया
सभा में आज आ जाना, सरस रस धार मालाना, कहे परवाना ए मैया लाज मेरी बचा जाना। तो जितने भी भैया लोग बैठे हुए हैं, एक बार जिनको माता रानी ने दो सुंदर से हाथ दिए हैं।